हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे अपने यूट्यूब चैनल ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज है 22 तारीख और इस समय रात के बज रहे हैं 9 और मैं आया हुआ हूँ गंगा जी ब्लॉग शूट करने। बहुत लोग रात का ब्लॉग बनाकर वायरल हो रहे हैं, मतलब कि अलग ही लेवल का डरावनी डरावनी जगह पे। तो दोस्तों, मैं भी आया हुआ हूँ यहाँ गंगा जी। लोग बताते हैं गांव वाले कि रात में यहाँ पे आत्माएं घूमती टहरती हैं। तो आज आ गया हूँ मैं भी ब्लॉगिंग करने के लिए, देखते हैं क्या होता है। फिलहाल अकेले यहाँ पे हम हैं और मेरा भाई है। तो आवाज़ आप लोगों को गंगा जी के नज़दीक में जो आवाज़ें आ रही हैं, क्या बोल रहे हैं पता नहीं, लेकिन आवाज़ें इतना डरावनी हैं कि दोस्तों मेरा रोंगटा खड़ा हो गया है, देख सकते हैं आप लोग। और दोस्तों, मैं जैकेट पहना हुआ हूँ, जैसा कि आप लोगों को पता है कि ठंड काफ़ी लग रही है इस समय। और तो ऐसा लग रहा है कि जैसे पीछे से कोई बुला रहा है या फिर कोई आ जा रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है। और ठंड में भी अंदर से पसीना छूट रहा है दोस्तों, डर की वजह से आप कुछ भी कह सकते हैं। और मैं अभी आप लोगों को दूर दूर तक दिखाना चाहता हूँ कि रात का सीन गंगा जी का कैसा है और कैसा माहौल है इस समय रात में, भयानक। तो दोस्तों, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं हूँ और मेरे बुआ का लड़का है, और हम लोग ये मोबाइल से ही कैमरा मतलब व्लॉग शूट कर रहे हैं। ना ही हम लोगों के पास अच्छा लेंस है, ना ही अच्छा कैमरा है, जो भी मोबाइल से है। मैं आप लोगों को ब्लॉगिंग करके दिखाना चाहता हूँ दोस्तों कि रात का कैसा सीन आ रहा है। आप लोग दिन में ब्लॉगिंग देखे होंगे गंगा जी का। और दोस्तों, मैं इस समय कैसा महसूस कर रहा हूँ मैं यही जान रहा हूँ कि रात में कैसा लग रहा है यहाँ पे अकेले में। हम दोनों के सिवा कोई नहीं है, कोई जानवर भी आ सकता है, कोई कुछ भी आ सकता है। अरे दोस्तों, क्या भाई, भागो भागो, चलो 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 भाई। दोस्तों, आप लोगों को आवाज़ें सुनाई दे जो रही हैं, डरावनी आवाज़ें। और ये सीन है रात का, 9 से पार हो रहे हैं दोस्तों, और दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, रेत ही रेत। और ऐसा लग रहा है कि कोई हम लोगों के पास ही आकर कूद रहा है, डाक रहा है। मेरे पास कोई यंत्र नहीं है दोस्तों कि आत्मा से बात कर सकें। तो जो भी है दोस्तों, और दूर तक नज़ारा देख लीजिए दोस्तों, हम लोगों के पास अच्छा लाइट का व्यवस्था नहीं है, लेकिन दूर दूर तक देखिए रात का सीन कैसा भयानक मंजर है। और ये निशान देख सकते हैं आप लोग, रेत में जो निशान है, ऐसा लग रहा है कोई आदमखोर भेड़िया यहाँ से भागा हुआ है। और ऐसा लग रहा है दोस्तों कि कोई मेरा पैर पकड़ कर खींच रहा है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को, अगर मैं आप लोग यहाँ पे अगर मैं आत्माएं हैं, तो मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं आप लोगों को यहाँ पे परेशान करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे बस वीडियो शूट करने आया था ये देखने के लिए कि क्या सचमुच में यहाँ पर आत्माएं हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे आप लोगों, तो दोस्तों मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे साथ कैसा क्या लग रहा है, मुझे पता नहीं। तो सबसे पहले मैं इस स्थान पे हूँ, और मैं आप यहाँ पे अगर मैं कोई भी आत्मा है, तो मैं उससे क्षमा मांगता हूँ। मैं आप लोगों को यहाँ पे परेशान करने नहीं आया हूँ, यहाँ पे मैं बस ये पता करने आया हूँ कि यहाँ पे सचमुच में आत्मा है या नहीं है, जो भी। लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि दोस्तों हम लोगों के आगे पीछे कोई टहर रहा है, अजीब अजीब आवाज़ें आ रही हैं। तो दोस्तों, मैं अब क्या ही बताऊँ, मैं यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे आत्मा है, तो मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं आप लोगों को, तो दोस्तों मैं आ गया हूँ इधर बाइक के पास, इधर दिखा दीजिए, इधर देख लीजिए। और इस समय हवा बहुत तेज़ी से चल रहा है, और इस समय 9 के एकदम पार हो गया है समय। तो अभी हम लोग चलते हैं दोस्तों, डर की वजह से वीडियो अब आगे हम नहीं बढ़ाना चाहते हैं, ना ही अपना जान जोखिम में डालना चाहते हैं, ना ही अपने भाई का जान जोखिम में डालना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों, अभी हम लोग गंगा के किनारे थे, तो अजीब अजीब घटनाएं महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था कोई बुला रहा है, कोई हम लोगों के पीछे कूद रहा है। और
क्योंकि दोस्तों हम वीडियो शूट कर रहे हैं मोबाइल से शूट कर रहे हैं, ना ही मेरे पास कोई अच्छा माइक है, ना ही फोकस के लिए अच्छी रोशनी है। तो जो भी है दोस्तों, मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से जो भी है दिखा दिया दोस्तों। तो ये मेरा पहला हॉरर ब्लॉग है, और दोस्तों मुझे कुछ समझ में नहीं रहा आ रहा है, एकदम माहौल एकदम भय भय वाला है, और मैं ही समझ सकता हूँ कि कैसा लग रहा है अंदर से। और एक्चुअली मुझे डर नहीं है, मैं अपने जो भाई है मेरा साथ, मैं मुझे उसका डर है, कुछ भी हो सकता है, रात के समय है। तो दोस्तों आज का मेरा ब्लॉग यहीं तक का है, और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो ज़रूर आप लोगों को अच्छा लगेगा दोस्तों। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, और मुझे कमेंट करके बताना कि मुझे हॉरर ब्लॉग बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए तो दोस्तों, और मुझे किस प्रकार का वीडियो बनाना चाहिए। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, और जाते जाते मैं दोस्तों तो सबसे पहले मैं यहाँ पे उपस्थित जो कोई भी आत्माएं हैं और जो कोई भी है, मुझे जो नहीं दिखाई दे रही या फिर है भी, तो मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मैं आप सभी को परेशान करने नहीं आया हूँ, अगर मैं आप लोग हैं तो। और दोस्तों मेरे पास कोई यंत्र ऐसा नहीं है कि मैं उन लोगों से बातें कर सकूँ, हम लोगों के पास सादा एक मोबाइल है, एक मोबाइल से के सहारे ही शूट कर रहा हूँ। तो आप लोग वीडियो में बहुत सारा ढेर सारा देखे होंगे कि लोग यंत्र द्वारा आत्माओं से बात करते हैं, तो मुझे नहीं पता दोस्तों। फिलहाल मैं इस स्थान पे हूँ, और अगर मैं यहाँ पे कोई है तो मैं उन सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मैं उन सभी को परेशान करने नहीं आया हूँ। मेरा एक उद्देश्य था कि वीडियो बनाना थोड़ा सा कि कैसा लगता है रात में। तो एक्चुअली दोस्तों सच में बहुत डर लग रहा है, बहुत भय लग रहा है। फिलहाल अभी हम लोग चलते हैं। तो दोस्तों अगर मैं वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना दोस्तों।